जो मैजिक स्क्वायर होता है उसके अंदर जो ईच रोज जो रोज होती हैं किसी भी रोज, तो इस स्क्वायर में है हमारी तीन, जो ओरिजिनल लाइन जो ये होती है ना, ओरिजिनल जो ये बॉक्स है ये तो है रोज, तो हमारे पास है इसमें तीन तो रोज होगी। और जो वर्टिकल कोल जो वर्टिकल जो लाइन है ना वे कॉलम होती हैं। अब जो ये हैं ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। और जो डायगोनल होते हैं ना वो डायगोनल होते हैं, ये हमारा पहला डायगोनल है, इस पहले डायगोनल में ये तीन बॉक्सेज होंगे और ये हमारा दूसरा डायगोनल है, इस डायगोनल में ये तीन बॉक्सेज होंगे। अब जो मैजिक स्क्वेयर है, मैजिक स्क्वेयर उसको बोलते हैं अगर इन इन बॉक्सेस के अंदर जो नंबर हैं उन जो पहली रोज के सभी जितने भी नंबर हैं पहली रोज में उनको सारा का सम करें, पहली रोज का जो पहली रो है उसके सभी एलिमेंट का सम करेंगे, फिर दूसरी जो रो है उसके दूसरी रो के एलिमेंटा का सम करेंगे, फिर जो थर्ड रो है उसके एलिमेंटा का सम करेंगे। अगर इसी प्रकार फिर पहले दूसरे और तीसरे कॉलम के एलिमेंटा का सम करेंगे, अगर जो ये सम है ना सभी रोज और कॉलम का अगर जो सम है अगर वो इक्वल आता है, अगर वो इक्वल आता है तो जो हमारा गिवन स्क्वेयर वो मैजिक स्क्वेयर है वरना नहीं है। ऐसे जैसे कि आप ही का वो क्वेश्चन था, ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, इसके अंदर हमने सबसे पहले पहली रो का सम किया, पहली रो का सम किया 0 आया, फिर दूसरी रो का सम किया फिर 0 आया, तीसरी रो का सम किया फिर 0 आया, फिर फर्स्ट कॉलम का सम किया 0 आया, सेकंड कॉलम का सम किया 0 आया, थर्ड कॉलम का सम 0 आया, फिर फर्स्ट डायगोनल का सम 0 आया, और लेकिन जब जो सेकंड डायगोनल का सम आया वो -6 आया। यहाँ पर ना जो तीन रोज और तीन कॉलम और एक डायगोनल का तो सम तो इक्वल था, लेकिन क्या हुआ जो सेकंड डायगोनल है उसके सम के इक्वल नहीं आया, तो हमारा जो स्क्वेयर है ना मैजिक स्क्वेयर नहीं है। और अब अगर दूसरे की बात करें, दूसरे की बात करें तो अगर इसमें और एक जो रो और कॉलम का जो सम है ना वो -9 आ रहा है, मतलब कि जो हर एक रो और कॉलम का जो सम है वो सेम आ रहा है, तो जो ये जो सेकंड वाला बॉक्स है ना वो एक मैजिक स्क्वेयर है। सेवंथ क्वेश्चन तो बस ये है।